नमस्ते, मैं भोपाल रोहतगी और आज मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर हमें हमारे देश भारत की उन्नति और प्रगति चाहिए तो हमें सेंटर में एक बहुमत से सरकार लानी होगी, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार सेंटर में बनती है तो ये महागठबंधन के नेता जो ऑब्वियसली खुद चाहते हैं, सबके सब खुद चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, और अगर वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो वो महागठबंधन की सरकार सेंटर से गिर जाएगी और चुनाव फिर से होगा, फिर से खर्चा होगा और ऑब्वियसली हमारे देश की उन्नति और प्रगति का मार्ग एक थोड़े समय के लिए फिर से हिल जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम हमारे देश भारत को विश्व का एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब भारतीय की जीवन में उन्नति और प्रगति हो, तो हमें सेंटर में सरकार बहुमत से लानी होगी, वो सरकार जिसका नेता स्ट्रांग है, जिसका नेता मजबूत है। ये बात मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कर्नाटका में कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी है और आप सब देख सकते हैं कि कुमार स्वामी जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है उनका क्या हाल हुआ है। वो स्पीच देते समय रोते हैं और अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं क्योंकि शायद उनकी और कांग्रेस की तालमेल अभी तक नहीं बैठी। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि अगर हम बहुमत की सरकार सेंटर में लेके नहीं आएंगे तो महागठबंधन की सरकार सेंटर में बनेगी और ये महागठबंधन वाले सारे नेता अगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और किसी एक ने भी सपोर्ट निकाल लिया तो वो सरकार सेंटर से गिर जाएगी। तो प्लीज सोचिए, समझिए, बहुमत की सरकार सेंटर में लेकर आइए। सेंटर को एक मजबूत सरकार चाहिए, सेंटर को एक मजबूत नेता चाहिए, भारत को नरेंद्र मोदी चाहिए। नमस्कार।